हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का शेयर 27 28 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत कुछ चल रहा है बैंक में और क्या चल रहा है और खरीदारी अभी करने का सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करें। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 27 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 12 से 12.5% का ग्रोथ जरूर है। 22 रुपए तक का लो यहाँ पर बना था, शेयर ने बढ़िया बाउंस बैक किया, तकरीबन 29 रुपीज तक ये शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद गिरावट आई, 26 रुपए तक शेयर आ गया वापस से। धीरे 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 ही सही, लेकिन शेयर में तेजी जरूर देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो यस बैंक में 83% की गिरावट है और 175 रुपए से शायद गिरता हुआ नीचे आया। बीच बीच में इसने बढ़िया बाउंस बैक भी किया था, लेकिन बाद में क्या होता है, उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट लेके बैठता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया 31 32 रुपए के ऊपर शेयर था, बाउंस बैक ऐसा किया कि शेयर सीधा पहुंच गया 75 रुपए के आसपास, लेकिन बाद में ऐसी गिरावट आई कि शेयर टूटकर बिखर गया वापस 16 रुपए तक। उसके बाद ऐसा बाउंस बैक किया कि 60 रुपए तक भी शेयर पहुंच गया, लेकिन बाद में ऐसी गिरावट आई कि अब शेयर ट्रेड कर रहा है 27 रुपए पर। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में यस बैंक के शेयर में 91% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 390 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई। यहां पर हम देखेंगे तो लार्ज कैप स्टॉक है, 36,145 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो सारे के सारे सिचुएशन आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि भैया हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग जो पहले 8.33% हुआ करती थी, एक ही क्वार्टर में 1.42% हो गई। एफआईएस की होल्डिंग जो पहले 15.17% हुआ करती थी, वो एक ही क्वार्टर में 1.86% हो गई। म्यूचुअल फंड जो पहले 5.09% की होल्डिंग रखते थे, वो भी एक ही क्वार्टर में 0.56% की होल्डिंग अभी ओन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले 8.24% की होल्डिंग रखते थे, वो एक ही क्वार्टर में 1.67% की होल्डिंग इनके पास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिरी है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी 62% से ज्यादा की होल्डिंग रखते थे, भैया वो भी 27% पर आ चुके हैं, वो भी एक ही क्वार्टर में। और सबसे ज्यादा होल्डिंग किसने बढ़ाई है, अदर डीएस। अदर डीएस में कौन है भैया, बैंकों ने खरीदारी की है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे बड़ी खरीदारी की है, 48.21% की होल्डिंग अक्वायर की है। लेकिन आपको बता दें कि भैया जिन्होंने खरीदारी की है ना जिन बैंकों को, उनको भैया ना 27 28 ना 30 रुपए पर ये शेयर अलोकेट नहीं हुए। अगर उनको भी अलोकेट होते तो भैया वो लोग भी खरीदारी नहीं करते, उनको 10 रुपए के भाव से शेयर बांटा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7,250 करोड़ का निवेश किया है, उसके अगेंस्ट में उनको कितने शेयर्स मिले हैं, 725 करोड़ शेयर, मतलब 10 रुपए के भाव से शेयर मिले हैं। एचडीएफसी बैंक को भी 1,000 करोड़ का निवेश किया, मतलब 100 करोड़ शेयर मिले हैं उनको भी, मतलब वो भी 10 रुपए के भाव से। आईसीआईसीआई बैंक को भी 10 रुपए के भाव से मिले, एक्सिस बैंक को भी 10 रुपए के भाव से मिले हैं। और तो और हम कहें तो भैया कोटक महिंद्रा ने भी खरीदारी की है, उनको भी 10 रुपए के भाव से मिले हैं। फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, इन लोगों ने भी खरीदारी की है, उनको भी 10 रुपए के भाव से शेयर मिले हैं। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि ये जो कोटक महिंद्रा बैंक की हम बात कर रहे हैं, ये जो बंधन बैंक की हम बात कर रहे हैं, ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, इनको 10 रुपए के भाव से शेयर मिला ना, तो एक हफ्ते बाद उन्होंने 10 से 15% की होल्डिंग बेच भी दी 10 रुपए के भाव से। एक तो सस्ते भाव से इनको शेयर मिला और उसमें भी उन्होंने 10 से 15% की होल्डिंग बेच दी। तो आप खुद सोचिए कि उनको भी भरोसा नहीं है कि इनकी वैल्यू 10 रुपए सही वैल्यू है, उन्होंने भी शेयर को बेच दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि भैया किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रमोटर के पास ऑलरेडी शेयर की होल्डिंग 1.42%, उसमें तकरीबन 1.5 2% की होल्डिंग गिरवी भी है। 23 म्यूचुअल फंड किन ने पैसा लगाया है, 201 एफआईआई से पैसा लगाया है। मधु कपूर यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर हैं जिनके पास 1.38% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.77% की देखने को मिली है। 100% का डिविडेंड पे करें, मतलब पर शेयर यहाँ पर 2 रुपए मिल रहे हैं, वो पिछले साल डिविडेंड पे किया था, पिछले साल शेयर अच्छे प्राइस के ऊपर ट्रेड भी कर रहा था।
इस बार डिविडेंड पे करते हैं कि नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल होगा, और कितना पे करेंगे अगर करेंगे भी तो वो भी देखने वाली बात होगी। लेटेस्ट अपडेट ये है कि भैया यस बैंक ने नीरज धवन को अपॉइंट किया है एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर के पोस्ट पर, इनको अपॉइंट किया गया है। यस बैंक ऑन सैटरडे सेड इट हैज अपॉइंटेड नीरज धवन एज इट्स चीफ रिस्क ऑफिसर विथ इमीडिएट इफेक्ट। विथ इमीडिएट इफेक्ट मतलब भैया आप देखिए कि 2 तारीख को अनाउंसमेंट हुई, 1 तारीख को भैया इन्होंने अपॉइंट कर लिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाइट द रिजोल्यूशन डेट मई 1, 2020 अपॉइंटेड नीरज धवन एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ही विल रिज्यूम चार्ज फ्रॉम सैटरडे इन प्लेस ऑफ आशीष अग्रवाल। तो भैया सैटरडे को इन्फॉर्म किया और सैटरडे को उन्होंने चार्ज भी ले लिया। द करंट रिस्क ऑफिसर, तो देखिए आशीष अग्रवाल पहले इनके चीफ रिस्क ऑफिसर हुआ करते थे, अब उनको दूसरे पोजीशन में डाल दिया गया, नए रोल में डाल दिया गया है, बैंक के नए रोल में इनको डाल दिया गया है और उनकी जगह अपॉइंट किया गया है नीरज धवन को। प्रायर टू दिस धवन वॉज होल्डिंग द पोजिशन ऑफ चीफ रिस्क ऑफिसर फॉर द रिटेल एंड बिजनेस बैंकिंग एट यस बैंक। तो देखिए वो कौन सी पोजिशन में होंगे, जो रिटेल और बिजनेस बैंकिंग के, यस बैंक की, उसमें चीफ रिस्क ऑफिसर की पोजिशन पर ये होंगे। और काफी अच्छा इनको एक्सपीरियंस भी है, उनको 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विस एंड बैंकिंग इंडस्ट्रीज में। तो डेफिनेटली एक अच्छे आदमी को उन्होंने अपॉइंट जरूर किया जिनके पास एक बढ़िया एक्सपीरियंस है। लेकिन जो सिचुएशन से अभी बैंक गुजर रहा है उसके लिए क्या कुछ चीजें करनी होंगी, वो सबसे पहले बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो कोरोना के चलते बैंकिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ा फटका पहुंचा जरूर है। अगर हम बात करने जाए तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में कहा है कि भैया बैंकिंग सेक्टर में आप छोटे बैंक को चूज करने का रिस्क नहीं ले सकते। रीजन सिंपल है कि कोरोना के चलते बहुत सारे बिजनेस है वो बर्बाद हो सकते हैं, काफी लोगों की जो नौकरियां हैं वो तक जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आप खुद सोचें कि जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है वो पैसा वापस कैसे करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो एनपीए में कन्वर्ट होगा, एनपीए में कन्वर्ट होगा तो बैंक को पैसा मिलेगा ही नहीं और बैंक लॉस में रहेगा। तो उससे क्या होगा कि भैया शेयर्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे और बैंक के रेपुटेशन भी इससे गिरने वाली है, और बैंक के पास कैश फ्लो जो है वो नहीं रहेगा। और कैश फ्लो लाने के लिए बैंकों को या तो अलग इक्विटी इश्यू करनी पड़ेगी या फिर बहुत सारी चीजें जो बैंक करती है। तो कहीं ना कहीं बैंक के पोजिशन है वो यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दे सकती है। यस बैंक की मैं बात करूं तो भैया टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल इनकी दिखाई दे रही है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो कर्जा तकरीबन 3,36,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके ऊपर कर्जा है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही है वो ये है कि बैंक जो है वो पैसा नहीं कमा पा रहा है। दिसंबर में 18,560 करोड़ का लॉस हुआ था इनको, सितंबर में 600 करोड़ का लॉस, जून में 113 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था लेकिन मार्च में 1,500 करोड़ का लॉस। तो लॉसेस काफी ज्यादा है, इंटरेस्ट अर्निंग सेम है देखिए, और दिसंबर में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप देखिए सेम इंटरेस्ट अर्निंग में एक क्वार्टर में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट रहता है और एक क्वार्टर में 1,500 करोड़ का लॉस रहता है, और इवन कम इंटरेस्ट अर्निंग में भी 18,560 करोड़ का लॉस रहता है। और इनके जो एनपीएस है यस बैंक के वो भी बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद सोचिए कि कोविड-19 के आने से पहले इनके एनपीएस बढ़ रहे थे, बैंक इस सिचुएशन में चली गई थी कि भैया डिपॉजिटरों को पैसा नहीं मिल रहा था। ये रूल लाया गया था कि भैया महीने में 50,000 से ज्यादा रुपया आप नहीं निकाल सकते, ये रूल लाया गया था डिपॉजिटरों के लिए। हालांकि अभी वो रूल नहीं है, वो कुछ वक्त के लिए ही था लेकिन बाद में अभी हट चुका है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा वर्क कर रहा था, ऐसी सिचुएशन में बैंक के एनपीएस बढ़ रहे थे, तो अब जब कोविड-19 के चलते हालत इतनी खराब होने वाली है तब बैंक के एनपीएस कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि अब जिन्होंने खरीदा था भैया, जिनको 10 रुपए के भाव से शेयर मिले थे जिन बैंकों को, वो खुद यहाँ पर बिकवाली कर रहे थे, वो खुद शेयर्स बेच रहे थे। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि भाई जो प्राइवेट लेंडर्स आए थे बैंक, 3 बैंकों ने भैया शेयर यहाँ पर बेचे थे। तो आप खुद सोचिए कि हालांकि रूल इनके ऊपर है कि 75% की इनको होल्डिंग 3 साल तक तो मेंटेन करनी है, लेकिन 25% की वो होल्डिंग बेच सकते हैं, तो उन्हीं में से उन्होंने बेचना शुरू किया था। तो
जिनको 10 रुपए के भाव से मिले थे उनको खुद होल्ड नहीं करना है, तो अभी हम खुद सोचे कि हम 27 रुपए में कैसे खरीद ले। मुझे यस बैंक हाईली रिस्की अभी लग रहा है और मैं इसे पैसा इसीलिए लगाना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि एनपीएस और बढ़ सकता है कोरोना के चलते, और काफी रिस्की ये बैंक है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में जब पता है कि बिजनेसेस बर्बाद हो सकते हैं, नौकरियां जा सकती है, तो मैं रिस्की बैंक में पैसा डालने से बेहतर है कि मैं उन्हीं बैंक में पैसा लगाऊंगा जो मार्केट लीडर है। भले थोड़ा महंगा मुझे खरीदना पड़ेगा एचडीएफसी का शेयर और आईसीआईसीआई का, लेकिन मैं उसमें खरीदारी करूंगा, ना कि मैं यहाँ पर मैं क्वालिटी शेयर को चुनूंगा ना कि क्वांटिटेटिव शेयर को यहाँ पर चुनना पसंद करूंगा। तो बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप यस बैंक में खरीदारी कर सकते हैं, मैं तो इससे दूर रहने की सलाह दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।